गुड मॉर्निंग एवरीवन, अगेन वेलकम इन द वर्ल्ड ऑफ कॉमर्स, राइट। सो एट प्रेजेंट वी आर रीच टू द थर्ड पार्ट ऑफ योर चैप्टर नंबर 3। अगर मैं चैप्टर 3 की बात करूं तो ऑलरेडी हमने 3.1 एंड 3.2 सिलेक्टेड सम्स, सिलेक्टेड इन द सेंस व्हाट, कि जिसमें आपके मैक्सिमम जिसमें आपके मैक्सिमम टाइप्स के क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे, वो सब हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है। वी ऑलरेडी डिस्कस फॉर्मूलाज एंड हाउ टू अप्लाई दिस ऑल रिग्रेशन इक्वेशंस, वो सब हमने डिस्कस किया है। नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस योर एक्सरसाइज 3.3। अभी आप बोलेंगे कि सर इसमें कोई नया फॉर्मूला एड होगा क्या? नो न्यू फॉर्मूला विल बी एडेड इन दिस एक्सरसाइज। इसमें कोई भी नया फॉर्मूला एड नहीं होने वाला है। सो हमने प्रीवियसली 3.1, 3.2 उसमें जो फॉर्मूलाज यूज किए थे उसको ही रिपीट करना है क्या? यस। सो बट दिस एक्सरसाइज इज लिटल बिट डिफरेंट देन 3.1 एंड 3.2। 3.1 डेटा बेस्ड एक्सरसाइज था कि एक्स एंड वाई कॉलम आपको दिया होता है और एक्स एंड वाई कॉलम के कैलकुलेशन एक्स वाई एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर टोटल करना है, फॉर्मूलाज अप्लाई करना है, वो आपका 3.1 था। इन एक्सरसाइज 3.2 द प्रोसेस इज सेम, टू इक्वेशन आइदर एक्स ऑन वाई आइदर वाई ऑन एक्स। सो व्हाट इज डिफरेंट, व्हाट वाज डिफरेंट इन 3.2? तो 3.2 में टोटल्स ऑलरेडी दिया, फर्स्ट में टोटल भी हमने फाइंड किया, सेकेंड एक्सरसाइज में टोटल ऑलरेडी आपको दिया था, बट नाउ इन एक्सरसाइज 3.3 इक्वेशंस आर गिवन। ओके, एक स्टेप हम और आगे आगे कि आपके ये एक्सरसाइज में इक्वेशंस ऑलरेडी दिया होगा, उसके हेल्प से रिक्वायर्ड वैल्यूज आपको फाइंड करना है। ओके, सो सी द एक्सरसाइज 3.3 एंड इन योर फर्स्ट क्वेश्चन From the two regression equations, find r, small r, coefficient of correlation. Hello, what is small r? Coefficient of correlation and x bar y bar. Okay, तो ये आपको find करना है. First of all, given two रिग्रेशन इक्वेशंस आर 4y 9x 15, ये फर्स्ट है, 25x 4y 17। नाउ सी वेरी फर्स्ट थिंग, इजी एक्सरसाइज है, इंटरेस्टिंग एक्सरसाइज है। सेकेंड थिंग, प्रीवियस यानी कि पास्ट अगर मैं पेपर्स की बात करूं, इवन इन द ओल्ड सिलेबस वन क्वेश्चन ऑफ दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस, मतलब कि अगर मैं बात करूं तो ये एक्सरसाइज में से क्वेश्चन आने का चांसेस सबसे ज्यादा, हाईएस्ट चांसेस टू आस्क क्वेश्चन फ्रॉम दिस एक्सरसाइज। ओके, सो रिगार्डिंग दैट इंपॉर्टेंस, फाइंड क्या करना है, एक्स बार वाई बार एंड आर, आर वी फाइंड आफ्टर फाइंडिंग एक्स बार वाई बार। देखो करना है ऐसे, पहले आप कंसेप्ट को समझो। सी गिवन इक्वेशन -9x + 4y 15, ये मेरा फर्स्ट हो गया, 25x - 4y 17। आपको थोड़ा थोड़ा कनेक्ट होगा बेटा, x y equals to simultaneous। सी ये तो हमारा 7, 8, 9, 10 हर स्टैंडर्ड का फेवरेट पार्ट था, बिकॉज ये हमने रिपीटेडली यूज किया है, बिकॉज व्हेनेवर वी हैव टू वेरिएबल्स, हेलो, व्हेनेवर वी हैव टू वेरिएबल्स इन इक्वेशन फॉर्म, सो फाइंडिंग दैट वैल्यूज इज द ओनली हेल्प ऑफ साइमल्टेनियस। तो एक से ऑलरेडी बेटा सी वो एक्स वाई का साइमल्टेनियस का स्ट्रक्चर आपको पता है, आई डोंट वांट टू डिस्कस टू मच मोर इन द साइंस के यार एक्स का क्या करना है, वी नो
कि आइदर एक्स आइदर वाई कॉमन होना चाहिए, बट वाई तो ऑलरेडी कॉमन है. सो बाय सॉल्विंग इक्वेशन वन एंड टू, अगर मैं कंसेप्ट वाइज चेक करूं तो मेरे इक्वेशंस वन एंड टू साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है. माइनस नाइन एक्स और एड एड करने से आ जाएगा आपका आंसर. एडिंग इक्वेशन वन एंड टू ये कैंसर, 16x 32. सो वी आर गेटिंग x इज इक्वल टू 2. आपका x फाइंड हो गया. आप बोलेंगे कि सर x बार y बार लाना है. वेट वेट आई विल डिस्कस. x फाइंड हो गया, सिंपल प्रोसेस है, सब्स्टिट्यूट करना है. पुट x इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन वेयर एवर यू वांट. यू कैन सब्स्टिट्यूट आइदर इन इक्वेशन 1 और 2. माइनस 9x नाइन टू जै एटीन हमने फोर इज दैट 32. तो आपका एक्स एंड वाई फाइंड हो गया. हाँ, सो देयरफॉर मीन वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई आर एक्स बार वाई बार. आप बोलेंगे कि सर क्वेश्चन का रिक्वायरमेंट था एक्स बार वाई बार, और आपने क्या फाइंड किया? वी फाइंड एक्स एंड वाई. अरे बट द सिंपल प्रोसेस, जो वैल्यू आपका एक्स वाई है वो डायरेक्टली क्या कंसीडर होगा? एक्स बार वाई बार. सो एक्स बार इज इक्वल्स टू 2 एंड वाई बार इज इक्वल्स टू 8.25. आपने सो ये कैसे आपने किया? आई विल डिस्कस कि जब आप इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व करते हो तो एक्स वाई मिल गया, बट दिस बोथ इक्वेशंस, लिसन, दिस बोथ इक्वेशंस डिराइव्ड फ्रॉम एक्स ऑन वाई एंड वाई ऑन एक्स. तो आपका एक्स ऑन वाई का जो इक्वेशन था लाइक एक्स माइनस एक्स बार बी एक्स वाई वाई माइनस ओके, तो यहां जो एक्स बार वाई बार वैल्यू था वो डायरेक्टली कंसिडर हो गया. सो दिस इज द सिंपलेस्ट वे. हेलो, अगर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू बात करें ना बेटा, तो दिस इज द सिंपलेस्ट वे टू फाइंड. और ये ऑप्शन है बेटा, एक्स बार वाई बार फाइंड करना बहुत ही सिंपल है. कुछ नहीं, इक्वेशंस आपको दिया होगा, दोनों इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है. साइमल्टेनियसली सॉल्व. ओके, नाउ आफ्टर फाइंडिंग द वैल्यूज ऑफ एक्स बार एंड वाई बार, वन मोर वैल्यू विच वी रिक्वायर्ड इन अवर क्वेश्चन. वी वॉन्ट वैल्यू ऑफ कोरिलेशन आर, एंड वॉट इज द फॉर्मूला ऑफ आर? प्लस और माइनस इन द स्क्वेयर रूट्स ऑफ, प्लस और माइनस इन द स्क्वेयर रूट्स ऑफ बी एक्स वाई इंटू बी वाई एक्स. ये आपको फाइंड करना है. अभी आप बोलेंगे कि सर हमारे पास तो बी एक्स वाई बी वाई एक्स का वैल्यू है ही नहीं. राइट, नहीं है वैल्यू, बट विद द हेल्प ऑफ टू रिग्रेशन इक्वेशन हम फाइंड करेंगे. ओके, अभी नया क्वेश्चन. आपके जो क्वेश्चंस होते हैं ना बेटा, क्वेरीज डाउट्स, वो मैं आपके साथ शेयर करूं. आप बोलेंगे कि सर हमें, यानी कि मुझे कैसे पता चलेगा कि ये दोनों में से कौन सा इक्वेशन एक्स ऑन वाई है, कौन सा इक्वेशन वाई ऑन एक्स? देखो उसके ना दो प्रोसेस. एक, वी हैव टू अज्यूम, हमें अज्यूम करना है, हमें अज्यूम करना है कि ये दोनों में से एक्स ऑन वाई और वाई ऑन एक्स कौन सा होगा. तो कौन सा? आप तो अज्यूम, अज्यूम मीन्स कुछ भी करो. और है ना, इसका एक मैं आपको शॉर्ट ट्रिक भी दे रहा हूँ, शॉर्टकट. तो अवेबल ये है कि हम जो शॉर्टकट यूज करेंगे ना बेटा, चांसेस है कि वो फाइनलाइज आंसर फाइंड करवाएगा राइट आंसर. तो क्या करने का, अगर ये वाई से स्टार्ट हो रहा है ना, तो डायरेक्टली अज्यूम दिस इक्वेशन एज अ वाई ऑन एक्स. अगर ये एक्स के साथ स्टार्ट हो रहा है, तो डायरेक्टली अज्यूम दिस इक्वेशन इज एक्स ऑन वाई.
आप बोलेंगे सर रॉन्ग आया तो वैसे भी आपको तो अज्यूम ही करना है ना। हेलो, आपके पास थोड़ी चॉइस है कि ये अज्यूम, ये यू हैव टू अज्यूम एनी इक्वेशन आइदर एक्स ऑन वाई आइदर वाई ऑन एक्स। तो थोड़ा चांस ले लेंगे, देखो कैसे। लेट इक्वेशन वन इज वाई ऑन एक्स 4y 9x 15। दिस इक्वेशन, हेलो, दिस इक्वेशन वी अज्यूम इज y ऑन x। इसको हमने क्या अज्यूम किया है बेटा, y ऑन x अज्यूम किया है। क्या अज्यूम किया है? y ऑन x। अरे तो करना क्या, देखो लेफ्ट में y, वी कीप ओनली y, y एज इट इज है, 4 शिफ्ट कर दो, ये 15 अपॉन 4 इग्नोर करना है, सो डायरेक्टली योर बी वाई एक्स बिकम्स, अरे सर आप बोलिए सर ये डायरेक्ट कैसे ले लिया, देखो एकदम सिंपल फॉर्म। फर्स्ट वन वी अज्यूम दिस इक्वेशन इज वाई ऑन एक्स, राइट। अगर मैं इक्वेशन को वाई ऑन एक्स अज्यूम कर रहा हूं तो वाई मेरा लेफ्ट में, अदर वैल्यूज ऑन राइट साइड, शिफ्ट कर दिया सबको, शिफ्ट हो गया। दूसरा y के साथ क्या मल्टीप्लाई में है, 4 शिफ्ट कर, 9 अपॉन 15 ये इग्नोर करना है, डिवाइड कुछ नहीं, इग्नोर मैंने बोला ना वो है नहीं ऐसे समझो। तो लेफ्ट में y, राइट साइड मेरे x के साथ क्या मल्टीप्लाई में है, मेरे x के साथ 9 अपॉन 4। तो ठीक है ना, डायरेक्टली आपका bx क्या बन गया, 9 अपॉन 1। थोड़ा कंफ्यूजन होगा आपको भी पता है, मैं देखो मैं इसका सॉल्यूशन बताता हूं। अगर मैं जेन्युइनली y on x इक्वेशन की बात करूं, y माइनस y बार बी वाई एक्स एक्स माइनस, ये मालूम है ना। हाँ सर, ये तो हमने 3.1 3.2 दोनों एक्सरसाइज में यूज किया है, बस वही यूज किया है। तो आप बोलेंगे सर ये डायरेक्ट कैसे आ गया, सपोज के ये क्वेश्चन में आपका x बार y बार व्हाट एवर, ये सब्स्टिट्यूट नहीं करना है, अजम्पशन के समझो कि x बार y बार 0 है। अगर x बार y बार में 0 ले लूं, देखो सॉल्व कर रहा हूं, y या इसको आप 1 भी ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, 0 लिया हमने, by x into x, by x into 0 0, मतलब अगर आप प्रॉपरली चेक करेंगे तो आपके एक्स के साथ, हेलो, आपके एक्स के साथ क्या मल्टीप्लाई में है, तो आपके एक्स के साथ मल्टीप्लाई में क्या है आपका बी वाई एक्स, तो वही तो हमने किया है। बट आप बोलेंगे कि सर 15 अपॉन 4 भी तो है, अरे वही तो बात चल रहा है बेटा कि सपोज ये एक्स एंड वाई 1 या कोई भी वैल्यू भी होता, 2 होगा, 8.25, कुछ भी, आई डोंट नो क्या हो सकता है, बट अल्टीमेटली ये वैल्यू भी यहां पे शिफ्ट होगा, समझो ये 5 भी होगा, कुछ भी ले लो आप, तो यहां तो वो शिफ्ट होना ही होना है। बट आपके बी वाई एक्स, यहां भी बी वाई एक्स होगा बट वो वैल्यू के साथ काउंट हो जाएगा, मतलब अल्टीमेटली मेरे बी वाई एक्स के साथ जो एक्स है वही सिलेक्ट होगा। x के साथ क्या था, 9 अपॉन 4। एक एक और एग्जांपल सुनो, एक फर्स्ट को हमने y on x अज्यूम किया, सो डायरेक्टली ले इक्वेशन 2 इज x on y, ये रहा 25x 4y। जस्ट अभी मैंने आपसे डिस्कस किया बेटा कि x लेफ्ट में देना चाहिए क्योंकि x on y है, सो अल्टीमेटली व्हाट इज माय bx y, y के साथ क्या मल्टीप्लाई में है, 4 अपॉन 25, ये bx y में। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट बेटा वापस वही होगा कि सर आप डायरेक्ट कैसे सिलेक्ट कर रहे हो, देखो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं। वापस आपका x on y इक्वेशन क्या था, x माइनस x बार b x y, y माइनस x on y था ना, ओके। देखिए
आपके पास कोई भी वैल्यू है नहीं है, जाने दो, बट इसको एक्सपांड करो, x माइनस एक्स बार बी एक्स वाई इंटू वाई माइनस ये दोनों का मल्टीप्लाई बी एक्स वाई इंटू वाई बार x इज इक्वल्स टू बी एक्स वाई इंटू वाई बी एक्स वाई इंटू वाई बार प्लस एक्स बार। देखो यहां पे सॉल्व ऐसे होगा बेटा कि ये जो एक्स बार है वो यहां पे प्लस में आ, ये मल्टीप्लाई हो गया क्योंकि ये दोनों वैल्यूज में है। ओनली वाई के साथ क्या मल्टीप्लाई में, चेक करो, अब खाली कंपेयर करो, एक्स एक्स बी एक्स वाई फोर अपॉन 25 वाई सी वाई, ये जो पूरा आंसर है ना, देखो यहां पे मैं लिख रहा हूं एक्स इज इक्वल्स टू 4 अपॉन 25 इंटू माइनस प्लस जो भी होगा 17 अपॉन 25, मतलब कि ये x x मैच हो गया, ये दोनों मैच हो गए कैंसल, तो मतलब मेरे y के साथ, ध्यान से समझना बेटा, हमारे y के साथ जो मल्टीप्लाई में है, y के साथ क्या मल्टीप्लाई में है, y बी एक्स वाई वाई फोर अपॉन 25 bxy 4 upon 25, that's it, understood? तो हमने अभी, आप बोलेंगे कि सर यहां आंसर फाइनलाइज हो गया क्या, नहीं, क्यों पता, देखो आपने अज्यूम किया था, that means not, ये कैंसल नहीं करना है, तो आपको मैंने एक्सप्लेन करने के लिए लिखा है, आपको इग्नोर करना है, कैंसल मत करना, ओके, अज्यूम किया है, फिर आंसर राइट है कैसे पता चलेगा, देखो नेक्स्ट स्टेप में आर इज इक्वल टू प्लस और माइनस रूट बी वाई एक्स बी एक्स वाई वॉट एवर वी रूट, दोनों मल्टीप्लाई करना है 9 अपॉन 4 4 अपॉन 25 फाइंड कर लिया, ओके इसका कैंसलेशन 4 4 9 अपॉन 25 इफ, सिंपल प्रोसेस मैंने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था, इफ दिस बोथ बीवाईएक्स बीएक्सवाई दिस बोथ आर पॉजिटिव, योर आंसर इज पॉजिटिव, सो रूट फाइंड करो क्या आ रहा है 3 अपॉन 5 योर आर कम्स टू 0.56 36। आप बोलेंगे कि सर राइट रॉन्ग कैसे पता चला, अरे आर का वैल्यू ध्यान से समझना, योर आर इज ऑलवेज 0. समथिंग, अगेन Your R is always 0. something. आ गया आंसर। By mistake आपने first, आपने किसम, ये तो आपने टेक्निक दिया, या हमने सपोज भी राइट अज्यूम कर लिया, तो पता कैसे चलता कि हमारा आंसर राइट है के दोगे, तो देखिए अगर आपने by mistake first equation x on y, second equation y on x find कर भी लिया होता, तो उसके बाद आपका जो आंसर है यहाँ पे वो 0. समथिंग नहीं आता, मतलब कि आपका आर आपने रॉन्ग फाइंड किया होगा। सर इतना लॉन्ग प्रोसेस लिखने के बाद कैंसिल करना होता है क्या, नो नो नो, आपको क्या करना है रफ में सॉल्व करना है थोड़ा सा, वो जैसे जैसे हम सम करते जाएंगे ना बेटा, हम डायरेक्टली अज्यूम करना सीख लेंगे, जैसे ये मेरा इक्वेशन है 4 में अपॉन में ले लूंगा तो 9 अपॉन 4 आ गया, ये मेरा x on y 20 पर, तो मैं ऐसे रफ में लिखूंगा, ये 9 के अपॉन में 4 9 अपॉन 4 ये 4 के अपॉन में 25 कैंसल कैंसल 9 अपॉन 25 रूट निकालो 3 अपॉन 5 0.6 दैट्स इट, रफ में ही चेक कर लिया, मतलब के अगर मेरा आंसर, ध्यान से समझना, अगर मेरा आंसर 0. समथिंग नहीं आया, दैट मींस माय आंसर इज रॉन्ग, वो रिचेक करने का एक ही प्रोसेस है कि आपका आंसर कंपलसरी 0. समथिंग आना चाहिए, अंडरस्टूड? देखो पहले आपको ये तो सिंपल पार्ट था, साइमल्टेनियसली एक्स वाई, देखो दोनों पार्ट अलग है, साइमल्टेनियसली फाइंड करना अलग है, फिर यहां पे आपको आर फाइंड करना, ये आर आपने जो फाइंड किया है कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, दैट्स इट, ये अलग पार्ट था, ये अलग पार्ट है, ओके
सो विद द हेल्प ऑफ साइमल्टेनियस एक्स बार वाई बार, और ये तो प्रोसेस ही डिफरेंट आया अज्यूम करने वाला, और जैसे जैसे हम क्वेश्चंस करते जाएंगे यू विल मोर अंडरस्टूड. ओके सो फर्स्ट ऑफ ऑल जस्ट राइट डाउन दिस. So, with the help of this process, देखो ध्यान से समझना बेटा, जितने number of questions आप इसके ज्यादा करेंगे उतना आपका confusion and concept clear होते जाएगा. See, same process हमने apply किया यहाँ पे and similar type के questions आपको solve करने हैं. Hello, similar type के questions आपको solve करने हैं. देखिए, अगर मुझे x bar y bar लाना है ना बेटा, फर्स्ट क्वेश्चन था ना इसलिए इतना टाइम तो जाएगा ही, ऐसा तो होगा नहीं कि आप फर्स्ट क्वेश्चन में डायरेक्टली क्लियर हो जाएंगे. इसका एज इट इज अगर मैं सिमिलर क्वेश्चन ले लू, सिमिलर क्वेश्चन 2 रिग्रेशन इक्वेशंस आर 5x माइनस 6y प्लस 90, 15x minus 8y minus 130. अभी सेम x बार y बार r आपको लेके आना है. अभी आप बोलेंगे कि सर x बार y बार r कैसे लेके आना है, सेम प्रोसेस x बार y बार के लिए इक्वेशंस को सॉल्व कर दो. आप बोलेंगे सर कैसे सॉल्व करना है, तो आपको साइमल्टेनियसली पता है बाय सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2 we get x and y and your x and y directly it becomes x bar and y bar. एक वो find हो गया. Second आपको r find करना है. आप बोलेंगे सो last वाले question में तो x and y different start होता था तो पता चल गया, यहाँ तो दोनों x से ही चालू हो रहा है. तो मैंने तो आपको starting में बताया बेटा कि अगर आपको r find करना है ना, अगर आपको r find करना है तो कोई भी इक्वेशन एनी वन, सी अगर मैं इसको इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 जनरेट अज्यूम करूं तो कोई भी एक इक्वेशन x on y, अनदर वन इज y on x. बट जनरली हम क्या करेंगे बेटा, जितने भी क्वेश्चंस का फॉर्मुलेशन देखा ना मैंने, मैक्सिमम इक्वेशन 1 ध्यान से समझना, मैक्सिमम इक्वेशन 1 y on x अज्यूम करने से सॉल्व होता है एंड अनदर वन इज x on y, y on x एंड x on y. लेट इक्वेशन 1 इज y on x, लेट इक्वेशन 2 इज x on y. माइनस से तो पहले साइन चेंज कर देते, 6 अपॉन में 90 अपॉन 6 इग्नोर करना है. तो डायरेक्टली अभी कंपैरिजन से आपका x के साथ क्या मल्टीप्लाई में है, 5 अपॉन 6. सो माय डायरेक्टली dyx इज 5 अपॉन 6. सेकेंड So, इसके हेल्प से डायरेक्टली बी एक्स वाई कितना आ गया, 8 अपॉन 15. मतलब के कभी ऐसा होगा ही नहीं कि दोनों का साइन अलग आए, बोथ मे बी पॉजिटिव बोथ नेगेटिव इन योर लास्ट पार्ट. अभी तो हम चेक कर रहे हैं बेटा कि आंसर कैसे कंसेप्ट में आ रहा है कि नहीं आपका. 8, 15, 5, 6, 5, 3, 4 upon 9, इसका रूट फाइंड करो, 2 upon 3, वॉट एवर इज द आंसर, 6, 6, 6 मतलब 6, 7 हो जाएगा. तो मतलब कि अगर मेरा आंसर 0 point फाइंड हो रहा है तो ऑब्वियसली मेरा आंसर राइट है. ओके तो ये क्वेश्चन में आपको क्या करना है, एक्स बार वाई बार फाइंड करना है साइमल्टेनियसली, और आर कैसे फाइंड करना है वो तो हमने आज डिस्कस किया ही है. और दूसरा एक चीज,
इसके रिलेटेड और सिमिलर क्वेश्चन हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे. सो टिल दे डू मैक्सिमम प्रैक्टिस ऑफ दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन फॉर फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ आर विद द हेल्प ऑफ अज्यूमिंग एनी इक्वेशन इज एक्स ऑन वाई एनी इक्वेशन ऑफ वाई ऑन एक्स. बट जनरली मैक्सिमम क्वेश्चंस में अगर मैं इक्वेशन वन वाई ऑन एक्स लू ना तो आंसर राइट. ओके सो स्टे कनेक्टेड. सी यू सून इन द नेक्स्ट लेक्चर. ये पार्ट को हम आगे कंटिन्यू करेंगे. ओके चलिए बाय बाय एवरीवन. गुड बाय. टेक केयर.